दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। प्रदेश राज्य फार्मेसी काउंसलिंग के तत्वाधान से मंडी जिला के समस्त फार्मासिस्ट वर्ग के लिए एक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मंडी स्थित संस्कृति सदन में किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 के करीब फार्मासिस्ट ने भाग लिया, जिसमें अस्पताल फार्मेसी ऑफिसर, दवा विक्रेता संघ के फार्मासिस्ट, मार्केटिंग से संबंधित फार्मासिस्ट व शिक्षण संस्थानों में कार्यरत फार्मासिस्टों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य जिला मंडी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर कौशिक ने मेडिकेशन एरर, प्रोफेसर पंकज शर्मा ने पेशेंट काउंसलिंग व डॉक्टर वनीता पंडित ने शेड्यूल H1 विषय पर विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि ने विशेष रूप से फार्मासिस्ट वर्ग का कोरोना काल में उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद किया। हमारे बंधु हैं, आपने जो क्वेश्चन करा है, मैं आपकी बात से पूरा इसमें सहमत हूँ कि चीजें ऐसी हो रही है, लेकिन इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए ये जो फार्मेसी काउंसिल की जो प्रयास है वो समय 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 पे हम करते आ रहे हैं। फार्मासिस्ट वर्ग ने अस्पताल में कार्यरत रहते हुए रात दिन अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे वे दवाई विक्रेता हो या अन्य। उन्होंने हर मरीज को घर घर दवाई पहुंचाकर अपना योगदान दिया। आज हमने कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन का जो आयोजन है जिला मंडी के सभी फार्मासिस्ट बंधुओं के लिए यहाँ संस्कृति भवन में उसका आयोजन किया है। ये जो कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें हम जो भी जो विषय होते हैं जिनमें हमारे फार्मासिस्टों को अपडेट करने के लिए जो समय समय पे ज़रूरी होते हैं, उन विषयों पे हमारे यहाँ पे डिटेल लेक्चर्स किए जाते हैं। और जिन विषयों पे हमारे फार्मासिस्ट बंधुओं ने समाज की सेवा करनी है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, उनके लिए जो भी लेक्चर्स यहाँ जरूरी होते हैं उनका हम यहाँ आयोजन करते हैं और उन पे हम एजुकेशन जो है हमारे सारे फार्मासिस्टों को प्रदान करते हैं। ये जो हमारे लेक्चर्स हैं आज के जो इस कार्यक्रम में जो विशेषता जो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो शेड्यूल H1 पे हमारा फोकस है, क्योंकि शेड्यूल H1 जो ड्रग्स आती हैं उसमें हैवी एंटीबायोटिक्स, जिसमें थर्ड और फोर्थ जनरेशन के एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो अगर इनका प्रॉपर यूज़ ना किया जाए, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना किया जाए और उनको प्रॉपर मेडिकेशन ना किया जाए, ड्रग रेजिस्टेंस के जो इश्यूज हैं उनको आने का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यही एंटीबायोटिक्स हैं जो हम लास्ट मोमेंट में जिन एंटीबायोटिक्स को हम पेशेंट को देते हैं। अगर यही एंटीबायोटिक्स का ड्रग रेजिस्टेंस हो गया तो उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें हम एमरजेंसी पेशेंट्स को दे सकें। इसके साथ ही जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट भी शेड्यूल H1 में ही आते हैं। इंटॉक्सिकेंट्स का अगर इम्प्रॉपर यूज़ होता है तो हमारा जो समाज है वो बिल्कुल ख़राब समाज बनता है। उस जो समाज है नशे की चपेट में ना आए, इसलिए हमने सभी जनता को यहाँ पे अवेयर किया फार्मासिस्ट बंधुओं के माध्यम से कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं उसकी सेल है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट रिकॉर्ड मेंटेनेंस वो बिल्कुल ना की जाए, ताकि किसी भी को बच्चा है या कोई इंडिविजुअल है वो इस नशे की चपेट में ना आए और हमारा जो समाज है वो बिल्कुल स्वस्थ और समृद्ध समाज। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।